चीन से तनाव कम होने के संकेत कम हो गए, यानी चीन लगातार अभी भी अपनी हेकड़ी पर टिका हुआ है। अब 26 तारीख से कमांडर स्तर की बैठक में रणनीति बनेगी। सेना प्रमुख नरवणे की अगुवाई में सभी कमांडर शामिल होंगे। दिल्ली में 26 से 29 अक्टूबर तक बैठक होगी और बैठक में टू फ्रंट वॉर पर भी रणनीति बनेगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है ये, देखिए। अब 26 से 29 अक्टूबर तक एक मीटिंग होने वाली जिसमें सभी कमांडर शामिल होंगे। सर, ये तो बहुत बड़ी खबर आ गई। अस्थाना साहब, क्या कहना है आपका? देखिए, जो चीन के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है उसके ऊपर जाहिर है कि पूरी प्लानिंग हर तरीके से हो रही है और हर तरीके से वॉर गेम किया जा रहा है, क्योंकि हमें किसी भी हालत में हर कंडीशन के लिए, हर किस्म की सिचुएशन के लिए तैयार रहना है। तो ये टू फ्रंट वॉर की बातचीत जो आपने कही, जाहिर है कि इन सब चीजों के ऊपर मैं एक छोटा सा सवाल यहाँ पे लेना चाहता हूँ शिवाज साहब आपसे। फिर इसका मतलब वॉर कभी भी हो सकती है? देखो, ऐसा है बिल्कुल गौरव, इसमें कोई दो राय नहीं, वार कभी भी हो सकती है, भारत इसके लिए तैयार है। ये जो आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस है, ये दो बार होती है साल में, एक अप्रैल के महीने में और अक्टूबर के महीने में, और एक प्रकार से आपकी पॉलिसी और आप स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हो। आपने अभी डिसीजन लिया है कि टू फ्रंट वार हो सकती है, भारत इसके लिए तैयार है। भारत चीन के साथ बिल्कुल आंखों में आंख दे के खड़ा हुआ है, और इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है, इसलिए पाकिस्तान के साथ भी भारत बिल्कुल तैयारियों पर चर्चा हो सकती है। ये बात आ रही है जो आप बात कह रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।